नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त आकाश। तो आप भी जानते हैं कि आजकल देश में एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है, वो है चाइल्ड ओबेसिटी का। जी हां दोस्तों, आजकल हमारे देश के बच्चे जो हैं वो काफी मोटापे से ग्रसित होते जा रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि छोटी छोटी उम्र में ही बच्चे आजकल काफी ज्यादा फैट गेन कर लेते हैं, काफी ज्यादा आलसी और लेजी भी होते जा रहे हैं, जिसके चलते अब ये बहुत बड़ा कंसर्न सिर्फ ना हमारे देश का बल्कि पूरे वर्ल्ड का बन चुका है। दोस्तों इसी को लेकर आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने बच्चों को फिर से एक्टिव बना सकते हैं, कैसे लॉकडाउन के बाद बच्चों में फिर से खेलने कूदने की जो जिज्ञासा है उसे जगा सकते हैं, और उन्हें कंप्यूटर स्क्रीन से अलग कर कैसे प्लेग्राउंड्स में खेलने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से दरख्वास्त रहेगा कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बीते एक साल से ज्यादा समय से कोविड-19 महामारी की वजह से बच्चे, बड़े बुजुर्ग सभी अपने घरों की चार दीवारी में बंद रह गए हैं। खासकर बच्चे जो रोजाना स्कूल जाते थे, दोस्तों के साथ पार्क में खेला कूदा करते थे, फिजिकल एक्टिविटी करते थे, वो सारी चीजें अब बंद हो गई है और इसका सीधा असर उनके बढ़ते वजन पर पड़ रहा है। दोस्तों हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो जंक फूड ज्यादा खाने, फिजिकल एक्टिविटी ना करने और घर से बाहर निकलकर दूसरे बच्चों के साथ खेलकूद ना कर पाने की वजह से बड़ी संख्या में बच्चों में मोटापे की समस्या देखने को मिल रही है। WHO की माने तो बच्चों में होने वाले मोटापा 21वीं सदी में सेहत से जुड़ी सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। बीते 40 सालों में स्कूल जाने वाले बच्चे और टीनएजर्स में मोटापे की समस्या 10 गुना बढ़ चुकी है। भारत में हाल ही में हुए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में ये बात सामने आई है। इस हेल्थ सर्वे में 22 राज्यों को शामिल किया गया, जिसमें से 20 राज्यों में बच्चों में मोटापे की समस्या बढ़ती दिख रही है। दोस्तों हाई BP से लेकर डायबिटीज और हृदय रोग तक मोटापा की ज्यादातर बीमारियों की जड़ है। ऐसे में अगर समय रहते बच्चों की भोजन से जुड़ी आदतों में बदलाव किए जाए तो उनके बढ़ते वजन को कंट्रोल किया जा सकता है। बच्चों में मोटापे की समस्या कंट्रोल करने के लिए पेरेंट्स इन टिप्स को अपना सकते हैं। इन दिनों ज्यादातर बच्चे TV, वीडियो गेम्स देखते हुए या गेम खेलते हुए ही खाना खाते हैं। ये पूरी तरह से अनहेल्दी हालत है जिसे तुरंत बदलने की जरूरत है। खाना खाते वक्त स्क्रीन पर नजर रहने से बच्चों को पता ही नहीं चलता कि उन्होंने कितना खाना खा लिया है और इस वजह से वो ज्यादा या कम भोजन खाते हैं। इसलिए खाते वक्त बच्चों का ध्यान सिर्फ खाने पर होना चाहिए, इस चीज का ध्यान आप रखिए। दोस्तों इसके अलावा जहां तक संभव हो अपने बच्चों को चिप्स, चॉकलेट, फ्रेंच फ्राइज, कोल्ड ड्रिंक्स, कुकीज, केक, फ्राइड राइस, ब्रेड, नमकीन जैसी हाई कैलोरी वाली चीजें और जंक फूड से दूर रखना चाहिए। ऐसी चीजें ज्यादा खाने की वजह से ना सिर्फ बच्चों का वजन बढ़ता है बल्कि कम उम्र में ही गैस्ट्रिक की समस्या भी हो सकती है। दोस्तों बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वे ज्यादा से ज्यादा फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दूध, दही, दाल, मछली ये सारी चीजें खाएं। साथ ही बच्चे में दिन भर पानी पीने की भी आदत डालें। इसके लिए आपको खुद भी बच्चे के सामने उदाहरण सेट करना पड़ेगा। इसीलिए आप भी हेल्दी ईटिंग करिए ताकि आपके बच्चे भी अच्छी आदतें सीखें। दोस्तों इसके अलावा कोरोना वायरस महामारी की वजह से ज्यादातर बच्चे घर में ही हर वक्त स्क्रीन के सामने बैठकर पढ़ाई, वीडियो गेम या TV देखते रहते हैं। बच्चों में रोजाना कम से कम 1 घंटे फिजिकल एक्टिविटी करने की आदत डलवाएं, रोजाना एक्सरसाइज करें या घर में ही कोई काम करके उनको किसी तरह की एक्टिविटी में इंडल्ज करवाएं। तो दोस्तों ये चीजें करके आप अपने बच्चों को फिर से एक्टिव और हेल्दी बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा अब आपको अगली वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।